Good morning, class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Varun and I will teach you modals. In the last class also I have told you about modals. Modals के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे can होता है, may होता है, should होता है, must होता है, कैसे sentences में इस्तेमाल होते हैं. एक बार फिर से देखेंगे. Can is used for possibility. अगर कोई possibility है तो आप वहां पे can का इस्तेमाल करते हैं. Suggestion देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? Can का प्रयोग करते हैं. उसके बाद can is used to seek, refuse and give permission. Permission के लिए भी, refuse करने के लिए और permission देने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं? Can का. और वहां पे can use होता है future में. अगर कोई effect की बात हो रही है तो भी आप वहां पे can का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? Can का. ठीक है, suggestions में can का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद देखते हैं could का. Could काम का इस्तेमाल होता है. Could polite request में इस्तेमाल होता है. Polite रिक्वेस्ट में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपने कहा एग्जांपल के तौर पे, एक सेंटेंस के लिए आपने कहा कुड यू प्लीज शट द, कुड यू प्लीज शट द डोर, कुड यू प्लीज शट द डोर. सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है आपको किसी से तो यू आर यूजिंग कुड. तो आप वहां पे कुड का प्रयोग करेंगे. और वहां पे इस्तेमाल होता है इट इज यूज्ड टू शो एबिलिटी इन द पास्ट. एक एबिलिटी अगर आपको बतानी है पास्ट टेंस में तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपने कहा रीनू कुड प्ले बास्केटबॉल व्हेन शी वाज यंग. रवि आप बोल सकते हैं रवि कुड प्ले बास्केट बॉल. रवि कुड प्ले बास्केटबॉल. रवि बास्केटबॉल खेल सकता था व्हेन ही वाज यंग. रवि कुड प्ले बास्केटबॉल व्हेन ही वाज यंग. जब रवि जवान था तो बास्केटबॉल खेल सकता था. तो ये क्या हो गया, ये पास्ट टेंस में बात हो रही है कुड की. तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो पास्ट टेंस में हो रही होती है वहां पे आप कुड यूज करते हैं. कैन का पास्ट टेंस ही कुड होता है. कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है. ठीक है, परमिशन के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल होता है, हमने आपको बता ही दिया. उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होती है कुड, वो भी हमने बता दिया. इन्विटेशन देने के लिए आप कुड का इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे आपने कहा यू कुड अकंपनी मी, आपने कहा यू कुड अकंपनी मी, आप मुझे अकंपनी कर सकते हैं. यहां पर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं. यू आर गेटिंग एन इनविटेशन टू अकंपनी यू विद सम अदर पर्सन. सो दिस इज अ टाइप ऑफ इनविटेशन. सो दिस इज यूज विद कुड. कुड का इस्तेमाल किया जाता है. एंड कुड को इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश. कुड का इस्तेमाल विश के लिए भी किया जाता है, कोई इच्छा के लिए. जैसे आपने कहा आई विश आई कुड बी विद माय सन. आपने कहा आई विश आई कुड बी विद माय सन. सो इट इज यूज फॉर शोइंग अ टाइप ऑफ विश. ये आपकी इच्छा प्रकट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कुड का, कि दैट इज यूज्ड फॉर गिविंग यू अ टाइप ऑफ विश. ये आपकी इच्छा है कि आप लड़के के साथ हो सकते थे, तो यहां पर भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे. इसका इस्तेमाल करेंगे कुड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विल के बारे में. विल क्या होता है, विल कैसे यूज होता है? विल पहली बात तो फ्यूचर में इस्तेमाल होता है. तो आप यूज होता है फ्यूचर विल इज यूज इन द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर में जो इस्तेमाल होता है वो विल होता है. जैसे आई विल डू दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क, ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आपने कहा विल यू ड्रॉप मी होम टुडे, क्या तुम मुझे घर छोड़ोगे, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट आप किसी से कह रहे हैं. तो वहां पर भी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. और कभी कभी कोई रेजोल्यूशन करने के लिए, कोई चीज बताने के लिए भी विल का इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे आपने कहा मयंक विल नेवर बी लाई टू हिज पेरेंट्स अगेन. जैसे आपने कहा मयंक will
never lie to his parents again. मैं जो है वो कभी भी अपने पेरेंट्स से लाई ऑफ नहीं करेगा। यहाँ पे एक रेजोल्यूशन है, यहाँ पे बात कह रही है कि यहाँ पर वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो रेजोल्यूशन के लिए भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विल कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं शैल पे। उसके बाद हम आते हैं शैल पे। शैल क्या होता है? देखिए, shall is also used in the future tense. Shall का इस्तेमाल भी future tense में किया जाता है, लेकिन shall भी एक rule होता है कि इसका इस्तेमाल I singular में और we plural में किया जाता है। I singular में और we plural में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है shall और will में थोड़ा सा फर्क कि I और will के साथ, I और we के साथ will shall लगता है। Shall is used to make suggestions. Suggestions देने के लिए भी shall का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे shall we watch a movie instead of going to mall? कि हम movie देखने के बजाय mall में जाने के बजाय movie देख सकते हैं, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद would की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं would की। Would जो है वो कैसे यूज करते हैं? Would is the used to express past form of will in repeated sentences. जैसे past tense जो होता है will का, वो क्या होता है? Would होता है। क्या होता है? Would. Request करने के लिए would का इस्तेमाल किया जाता है। किसी से कोई आपको request करनी है, जैसे would you order a cake for the party? आपने कहा would you order a cake for the party? यहाँ पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू ऑर्डर अ केक? क्या तुम पार्टी के लिए केक ऑर्डर करोगे? रिक्वेस्ट कर रहे, पूछ रहे। तो अगर उसने कह दिया करोगे, तो आप वहां पे वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप वुड का इस्तेमाल भी समझ में आपको आ गया होगा। पोलाइट ऑफर के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है पोलाइट ऑफर के लिए। जैसे आपने कहा वुड यू लाइक टू ईट अ बर्गर, जैसे आपने कहा वुड You like to eat a burger? क्या तुम बर्गर खाना पसंद करोगे? यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वुड कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं मेड। एंड वाली मेड होता है, तो मे के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि मे यूज फॉर परमिशंस। परमिशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? मे का इस्तेमाल होता है। परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल होता है। जैसे आप टेकिंग परमिशन, जैसे आपने कहा मे आई कम इन द क्लास, मे आई कम इन द क्लास, तो यहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मे का। उसके बाद पॉसिबिलिटीज के लिए भी आप मे का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा इट मे रेन, बारिश हो सकती है। और सजेशन देने के लिए भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी को कोई सजेशन देते हैं, जैसे आपने कहा ही मे बी अलाउड टू कम लेट टुमारो, ही मे बी अलाउड, इसे आप उसको कह रहे हैं कि उसको लेट आने की अनुमति मिल सकती है। ठीक है बच्चों, तो वहां पर मे का इस्तेमाल किया जाता है। अब मे का पास्ट होता है माइट। मे इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में and might is used in the past. Past में क्या इस्तेमाल किया जाता है? Might का। जैसे आपने कहा possibility, possibility की अगर आप बात करें तो वहां पे आप might का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कहा it might get colder as it has showed in the hills, या I might not join you for the police. I might not join you for the picnic. पुलिस कह रहे हैं हमें गलती से picnic आओ। I might not join you for picnic. So it is used for might. Might के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं should।
शुड कहां पे यूज होता है? देखिए जनरली शुड का इस्तेमाल आप लोग कहां पे करते हैं? जनरली हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं किसी को सलाह देने की, एडवाइस देने की, सजेशन देने की, तो आप वहां पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम, तुम्हें अपना होमवर्क टाइम पे करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इस कंडीशन में आप यूज करेंगे शुड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? शुड का। ठीक है बच्चों, तो यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम, वहां पे आप शुड का इस्तेमाल करेंगे और देख लेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो आप किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा अलग तरीके से यूज हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शुड का इस्तेमाल फ्यूचर पॉसिबिलिटी में भी होता है, जैसे कि आपने कहा शुड यू चेंज योर माइंड डू लेट मी नो। शुड यू चेंज योर माइंड Do let me know। कह रहा है कि अगर तुम अपना दिमाग बदलो या अगर तुम्हारा दिमाग बदल जाए, चेंज हो जाए, do let me know, तो मुझको बता देना। तो यहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, should का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको should का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर के लिए भी should का प्रयोग कैसे किया जाता है। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी आप should यूज करते हैं। अगर तुम अपना दिमाग बदलना, Do let me know। Should you change your mind? Do let me know। तो ये आपका हो गया should का इस्तेमाल। उसके बाद should के बाद हम पढ़ते हैं must पे। Must कहाँ पे भी होता है? जब आप कभी किसी को order देते हैं, when you are giving someone order, you are using must। जैसे आपने कहा you must do your homework। तुम्हें अपना homework जो है वो समय पे करना चाहिए। You must do your homework on time। तो it is a type of order you must give। You must do your homework in time। तुम्हें अपना homework time पे करना चाहिए। You are giving a type of order to someone। ठीक है? You are giving a type of order to someone। तो order की आप क्या इस्तेमाल करते हैं? Must का यूज करते हैं। सजेशंस के लिए आप शुड यूज करते हैं। नेसेसिटी जब होती है तो आप मस्ट का यूज करते हैं। ऑर्डर माने नेसेसिटी है या कोई ऑर्डर है, तो आप वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं? मस्ट का। जैसे आपने कहा मस्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे आपने कहा यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग टू व्हीलर। जैसे कोई चीज लॉ के द्वारा अगर हो रही है तो भी आप वहां पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू must wear a helmet while driving a two-wheeler। You must wear a helmet while driving a two-wheeler vehicle। जब आप टू व्हीलर व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो यू मस्ट वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये हो गया मस्ट का यूज। अब हम आते हैं ऑट टू पे। ऑट टू का इस्तेमाल कैसे होता है? ऑट टू कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में, ये हमको देखना है। देखिए
और का इस्तेमाल कैसे होता है, जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जब आप किसी को एहसास दिलाते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आप और टू का प्रयोग करते हैं। सजेशंस के लिए और टू का इस्तेमाल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा यू ऑट टू कीप दिस सीक्रेट, आपने कहा यू और टू कीप दिस सीक्रेट, यानी इट इज योर ड्यूटी टू कीप दिस सीक्रेट। यहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे और टू का प्रयोग करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे और टू। और टू इज यूज्ड टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के लिए भी और टू का इस्तेमाल किया जाता है। इट एक्सप्रेसेस व्हाट द स्पीकर थिंक्स इट राइट, ये एक्सप्रेस करता है व्हाट द स्पीकर थिंक्स इज राइट, जो कि स्पीकर थिंक कर रहा है राइट है, वहां पर भी आप और टू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और टू। उसके बाद कुछ वर्ड्स बचे हैं, ये भी देख लीजिए, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा डेयर, एक वर्ड होता है डेयर, एक होता है नीड, और एक आपका जो बचा है वो है यूज्ड टू। अब देखिए यूज्ड टू सबसे पहले देखते हैं, यूज्ड टू कोई ऐसा वर्ड है जो कोई एक्शन के बारे में बताता है जो आप बीते समय में करते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे बोला आई यूज टू ड्रिंक वाइन, आई यूज टू ड्रिंक वाइन, मैं वाइन पिया करता था, तो ये आपकी हैबिट थी कि आप वाइन ऐसा नहीं है, ठीक है। आई यूज टू ड्रिंक वाइन, मैं वाइन पिया करता था, ये पुरानी बात है लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वहां पर यूज करेंगे डेयर, डेयर यूज फॉर चैलेंज, जब आप किसी को चैलेंज करते हैं तो वहां पर डेयर का इस्तेमाल होता है। इट इज मोर कॉमनली यूज इन द नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, यू डेयर नॉट एंटर इन माय क्लास, यू डेयर नॉट एंटर इन माय क्लास। यहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डेयर नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे। तो आप मतलब ये चैलेंज आपको कहा गया है, चैलेंज दिया गया है कि आप मेरे क्लास में एंट्री नहीं कर सकते, तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डेयर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेयर। और नीड एक बचा आपका, इट इज यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में और क्वेश्चंस में नीड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नीड का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा नीड बी, यू नीड नॉट वेट, यू नीड नॉट वेट, तो आप यहां पे नीड का प्रयोग करेंगे, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहां पे क्या इस्तेमाल किया, आपने यहां पे नीड का इस्तेमाल किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसी इस चैप्टर में इतना ही है। अब आपको एक्सरसाइज नंबर ए और एक्सरसाइज नंबर सी जो है वो कंप्लीट करनी है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, इसका पीडीएफ हम बना के आपको भेजेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।